देखिए, स्वस्थ शरीर यानी स्वस्थ मन, और इसी के साथ आज देश के अलग अलग कोने में लोग योग दिवस मना रहे हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से देश के अलग अलग कोने में, दुनिया से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से आज लोग सुबह योग कर रहे हैं। खैर, हमारे साथ स्टूडियो में एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ शगुफ्ता है, जो सुबह से ही तरह तरह के योगासन जो है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रही हैं। उसके साथ ही हमारे साथ योग गुरु मनोहर जी और मोहन जी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शगुफ्ता, अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम सभी लोग अमूमन ऑफिस जाते हैं और बहुत लॉन्ग आवर्स एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, ऐसे में मसल स्टिफनेस और खास तौर पर पीठ में दर्द, ये दो ऐसी शिकायतें होती हैं जो कि हर किसी को होती है। ऐसे में जो आज हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं, वो कौन से योगासन है जिसे कर इन तमाम चीजों से निजात पाया जा सकता है? सरगम, आपको इसके लिए सुबह से 6 बजे का शो देखना पड़ेगा जीएनटी का, जहां पर हम सुबह से बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि स्टिफनेस को, बैक स्टिफनेस को कैसे आप दूर कर सकते हैं। और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, मनोहर जी हैं और साथ में मोहन जी हैं। जब भी योग की हम बात करते हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत योगा अभ्यास को हम एक्सरसाइज करते हैं। मोहन जी, मुझे ये बताइए कि जब भी पहला अभ्यास हम करते हैं सुबह से, जैसे हम कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम हमने किया, सबसे पहले ओम के उच्चारण के साथ हमने दिन की शुरुआत की है, तो आप बताइए अभी हम क्या शुरुआत करेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये विशेष उत्सव का समय है और इसमें बहुत ही प्लान करके, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के राय लेकर के एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल। इसमें बहुत ही सहज एक सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम जिसको हम कहते हैं, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करने के बाद कुछ स्टैंडिंग आसन, कुछ सिटिंग आसन, फिर फ्लोर में करने वाले, लेट करके करने वाले आसन का एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। ये पूरी तरह से होलिस्टिक है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एक साथ विकास करते हुए आध्यात्मिक चेतना तक को जागृत करने के लिए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक प्रोटोकॉल तैयार किया हुआ है। अगर इस अभ्यास को सामान्य व्यक्ति, जिसको कोई समस्या नहीं है, इसको अगर करते हैं, नियमित रूप में करते हैं, तो उनको जिंदगी में कोई बीमारी होने का संभावना नहीं है। बस नियमित अभ्यास करने की जरूरत है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि एक बार अभ्यास कर लिया तो हमेशा के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम रोज भोजन करते हैं, उस भोजन में से सर्टेन पोर्शन रस बन करके रक्त में मिलता है, बाकी मल निकलना होता है। इसी तरह से जो पोषण रक्त में मिला था, कोशिकाओं के स्तर पर लगने के लिए भी एक प्रक्रिया होता है, उसमें भी वेस्टेज निकलते हैं। इनको डिटॉक्स के लिए योग का अभ्यास हेल्प करेगा। डिटॉक्स तो करेंगे बॉडी को, योगासन की शुरुआत कर लेते हैं। कहां जी से शुरुआत करें? शुरुआत कर लेते हैं स्टैंडिंग आसन से कर लेते हैं। सहज आसन है, ताड़ आसन। स्ट्रेचिंग के लिए बोलिए, दोनों पैरों को एक आपस में मिला करके रखेंगे और दोनों हाथ के उंगलियों को एक आपस में ऐसे फंसाएंगे, हाथों को सीधा रखें और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। जितना ऊपर तक हाथों को ले जा सकते हैं ले जाएंगे। मिडिल बॉडी को टाइट रखें, स्ट्रांग रखें, सहज रखें और फिर धीरे धीरे अपने उंगलियों के बल पर ऊपर चले जाएंगे। यह ताड़ासन का अवस्था है। इस अवस्था में जितनी ज्यादा देर तक रुक पाए उतना ज्यादा अच्छा प्रभाव प्राप्त हो सकता है। जब मुश्किल लगने लगे तो धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सिर पर रखें और श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस ले आएंगे। ये ताड़ासन का अभ्यास है और ये पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम को व्यवस्थित बनाएगा। और दूसरा वृक्ष आसन है, संतुलन के लिए, वृक्ष के समान संतुलन को प्रदान करने का बहुत ही सरल आसन जी। सरल आसन ऐसे कर सकते हैं, दाएं पैर को मोड़ लेंगे और पंजा बायां जंघा के ऊपर ऐसे टिकाएंगे, एडी को पेरिनियम अर्थात सिवनी नाड़ी के पास, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। आगे एक स्थान पर अपने फोकस को बनाएं, चेहरे पर सहजता को मेंटेन करते हुए सहज श्वास के साथ जो भी प्रभाव पूरे शरीर में आ रहा होगा अनुभव करेंगे। इस तरह से वृक्ष के समान इस अवस्था को बनाए रखने से जी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसको दोनों साइड से किया जाता है, बाएं साइड से भी इसी अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर उठाकर नमस्कार पोजीशन पर, आगे एक स्थान पर देखकर चेहरे पर सहजता को बनाए हुए
श्वास प्रश्वास को दीर्घ और सूक्ष्म रखेंगे, पूरी तरह से नस नाड़ियों में क्रियाशीलता के साथ शक्ति का संचार हो जाता है।